हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉज अ चेन स्मोकर। दिन की कुछ 10, 15 या इससे भी ज़्यादा सिगरेट्स हो जाती थी, लेकिन एक मन में कहीं था कि यार सिगरेट छोड़नी है। जैसे कि हम सब बोलते हैं कि नहीं यार सिगरेट छोड़नी है, लेकिन ऐसा कभी कर नहीं पाते। सो जब मैं कूल गर्ल डायरेक्ट कर रहा था, तो उस दौरान जो मैंने सब्जेक्ट पे रिसर्च की, तो मैं डर गया। एक्चुअली में मुझे तब पता चला कि क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं स्मोकिंग के। मैंने कसम खाई कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। कुछ 20 दिन कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर से सिगरेट चालू हो गई। और फिर ये सिलसिला उसके बाद काफ़ी महीनों तक चलता रहा, स्मोकिंग कंटिन्यू रही, या कहिए कि और ज़्यादा बढ़ गई। एक बार क्विट करने के बाद अगर आप दोबारा शुरू करते हैं तो स्मोकिंग की हैबिट और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लास्ट ईयर अराउंड नवंबर मैंने सोचा कि बहुत हो गया, अभी स्मोकिंग छोड़नी है। सो दोस्तों, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात थी मेरे लिए विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, कि मैं कुछ भी हो जाए, कि मैं सिगरेट के सराउंडिंग में ना जाऊँ। मेरे यार दोस्त जो सिगरेट पीते थे, मैंने कसम खा ली कि मैं उनके सामने भी नहीं जाऊंगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे सिगरेट जहां दिखती थी, मैं उनसे दूर रहने लगा। एक वीक मैंने कोशिश की छोड़ने की, और बहुत ही बुरा लगता था, डिजीनेस फील होता था, और ऐसा लगता था कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, भूख बढ़ गई थी, वेट गेन होने लगा था। आई एम नॉट इन टू बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ, बट मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं एक फिट रहूँ। मैंने बाई वॉकिंग 5 किलो वज़न अपना वेट कम किया है, और मैं आगे भी इसे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। सो फिर मैंने इससे उभरने के लिए मैंने पूरी तरह से अपने आप को फिटनेस में डाल दिया। मैं वॉक करने लगा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर डे, और एकदम कोशिश की मैंने, और मैं थोड़ा ट्रैवलिंग पर भी गया, और जहाँ पे मैंने पूरी तरह अवॉइड किया स्मोकिंग, स्मोकर्स को, ऐसे दोस्त जो स्मोक करते हैं, ऐसे लोग, पान की दुकानें, सिगरेट जहाँ बिकती हैं, सबसे मैं दूर रहने लगा। और आज 4 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं नो स्मोकिंग के, और बिलीव मी बहुत ही अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। और अब जब मैं किसी को सिगरेट पीते हुए देखता हूँ, तो वाकई कह सकता हूँ क्या यार अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। सो दोस्तों, ये आप भी कर सकते हैं। सिगरेट छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, बस फर्स्ट चीज विल पावर। उस सराउंडिंग से दूर रहिए जहाँ पे स्मोक हो, सिगरेट हो, और बस अगर आपने ठान लिया है तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको सिगरेट छोड़ने से। दोस्तों, मेरा ये वीडियो, ये मैसेज आपके लिए बस यही है कि मैं कर सकता हूँ, मुझ जैसा एक आम आदमी, एक कॉमन आदमी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मैसेज मेरा आपको इंस्पायर करेगा स्मोकिंग छोड़ने के लिए। और अगर आपका कोई दोस्त है जो सिगरेट पीता है और छोड़ना चाहता है, तो ये वीडियो उसको शेयर करें और बताएं कि ये मुश्किल नहीं है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।